इंजेक्शन भी करने के लिए बस यहाँ कंसेटर एआरजीएस के जगह पे प्रॉपर्टी होगा। अब प्रॉपर्टी में जो डेटा इंजेक्ट करोगे ना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कहानी होगी कि आपका डेटा इंजेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, नो डाउट सेट के लिए सेट होगा, लिस्ट के लिए लिस्ट होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। चलो उसको मैं बताऊंगा आगे आपको, अभी प्रॉपर्टी को भी इंजेक्ट करके दिखाऊंगा। वैसे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे डेटा इंजेक्ट होती है, लेकिन अगर आप कभी करना भी चाहोगे तो कर लेना, नो डाउट प्रोजेक्ट हमारा वही है। अब हम एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा और कंसेप्ट यहाँ पे है, उसको ज़रा जान लेते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे करते हैं स्प्रिंग के अंदर, है ना, या इनहेरिटेंस का क्या यूज होता है। इनहेरिटेंस जब होता है तो हम कैसे वहाँ पर रिलेशन बना पाते हैं क्लासेस के बीच में, तो इसके लिए मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है। इनहेरिटेंस के लिए कौन सी क्लास लेके आपको एग्जाम्पल समझा दूँ, कोई आप एक क्लास बताओ जहाँ पे हम इनहेरिटेंस करने वाले हैं और जहाँ पे होता है, जैसे इम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में होता है ना, या और कहाँ इनहेरिटेंस होता है, नाम हाँ, तो वो तो रिलेशन, वो तो हैज़ अ रिलेशन हो गया ना, एम्प्लॉय हैज़ अ एड्रेस, एम्प्लॉय हैज़ अ, वहाँ हैज़ अ रिलेशन आ गया, इज़ अ रिलेशन है, जहाँ इज़ अ रिलेशन होता है वहाँ इनहेरिटेंस यूज करना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ ये भी तो होता है, आप इनहेरिटेंस का रूल नहीं पढ़े हो। चलो चलो पहले मैं एम्प्लॉय बना लेता हूँ, वैसे एम्प्लॉय देखो यहाँ बना भी हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो लेकिन ये एम्प्लॉय ना बना के कोई और क्लास ले लेता हूँ मैं, मान हाँ, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डिटेल्स बनवा रखी है, बिल्कुल मल्टीपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट डॉट एक्सएमएल बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हो सकता है कि अलग अलग बीन को अलग अलग एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट में एंट्री करा दी जाए। अच्छा, आप एक एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल को दूसरे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में, और वैसे तो मैंने किया नहीं है, बस एक बार देखना पड़ेगा मुझे कि एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल की चीज़ें दूसरे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट डॉट एक्सएमएल को जावा के प्रोग्राम से जब वो कॉल करोगे तो वही वाला तरीका है, ये वाला तरीका है ना, बट इनके बीच में नई रिलेशन बनता है, ठीक है। मे बी मैंने उस पर अभी, हाँ बताइए क्या कह रहे हो। हाँ, दो क्लास बनाई है, अब तो फिर क्या करना पड़ेगा, दो हाँ, दिक्कत हो जाएगी उस केस में, अगर आप अलग 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 बीन को अलग अलग एग्जाम्पल में एंट्री करोगे तो फिर उसको उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करने में दिक्कत आ जाएगी, उनको कैसे रिलेशन बना पाओगे, ये दिक्कत हो जाएगी ना। क्लास की कहानी तो अलग है, क्लास में अगर है तो एंट्री हो जाती है, वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी जो आप पूछ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेता हूँ, चलिए आपके लिए कॉफी क्लास ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ बाइक, ठीक है, और जो बाइक क्लास है, बाइक क्लास में प्राइवेट प्राइवेट इंट बाइक की क्या ले लेते हैं, सपोज करो बाइक का क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, बाइक का नंबर होता है, हाँ जी ठीक है। तो एक हो गया बाइक का नंबर और एक हो गया बाइक का PRIVATE, प्राइवेट स्ट्रिंग उसका ले लेते हैं नेम, तो इस तरह से हमारे पास दो डेटा हो गया, एक बाइक का नंबर हो गया, एक बाइक का नेम हो गया, ठीक। और फिर हमने क्या करा, एक
यहां से एक और क्लास बना दिया, इसका नाम लिया स्प्लेंडर, SPLENDER, स्प्लेंडर भी हमारी एक बाइक है ना। और स्प्लेंडर के अंदर मान लीजिए कुछ अपनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, ठीक है। स्प्लेंडर के अंदर मान लीजिए मैंने एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या ले लिया, जैसे इससे मैंने यहाँ पे ले लिया, क्या ले सकते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो बाइक में ना हो। हाँ चलिए मान लीजिए इसका मॉडल ले लिया हमने, तो मॉडल स्ट्रिंग टाइप का ले लेते हैं, स्ट्रिंग मॉडल नंबर, और क्या ले सकते हैं, प्राइज ले सकते हैं ना, फ्लोट में फ्लोट प्राइज ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं। चलिए दो डेटा हमारे पास काफ़ी है, चीज़ों को समझना ही तो है यहाँ पे, प्राइवेट एंड प्राइवेट, ठीक। अब इनमें डेटा कैसे इंजेक्ट करा जाए, इसके डेटा इंजेक्शन के लिए हमने क्या किया, इनमें कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लिया स्प्लेंडर का, ठीक है। अब डेटा इंजेक्शन के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लेंडर में स्ट्रिंग टाइप में हमने मॉडल रिसीव कर लिया, एंड कॉमा करके हमने फ्लोट टाइप में प्राइज रिसीव कर लिया, PRIC, और यहाँ पे this dot करके यहाँ पे this dot model is equals to model कर देते हैं, and this dot price equal to price कर लेते हैं। तो एक हो गया हमारा मॉडल और एक हो गया प्राइस। ये हमारी क्लास हो गई, कौन सी क्लास, स्प्लेंडर क्लास। टू स्ट्रिंग ओवरराइड कर लें, टू स्ट्रिंग ओवरराइड करने से यही फायदा होगा ना कि कोई रेफरेंस आईडी नहीं प्रिंट कराना चाहते, ठीक है। यहाँ से रिटर्न करा देते हैं हम, पहला चीज रिटर्न करा देते हैं मॉडल, और दूसरा चीज यहाँ रिटर्न करा देते हैं प्राइस, प्राइस दो क्लासेस हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ये जो हमारा मतलब स्प्लेंडर क्लास है, इस स्प्लेंडर क्लास को हमें यूज करना है कहाँ पे, हमें यूज करना है अपने बाइक के अंदर, है ना। तो जो हमारी बाइक क्लास है इसके अंदर हम यूज करना चाहते हैं इसको, समझ रहे हो। तो मैंने क्या किया, एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये तो होता ही है, ठीक है। साथ ही साथ अब हम चाहते हैं कि बाइक को यहाँ पे एग्रीगेट करें ना, तो आपको पता ही एग्रीगेशन का कंसेप्ट कि यहाँ से इस डेटा को अगर हमें यहाँ यूज करना है तो हम प्राइवेट टाइप का ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं ना। मान लीजिए कि मैंने प्राइवेट यहाँ पे ले लिया, प्राइवेट स्प्लेंडर और स्प्लेंडर टाइप का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब इनके अंदर डेटा इंजेक्शन के लिए क्या करना होगा, डेटा इंजेक्शन के लिए हमें यहाँ पे बाइक टाइप के पैरामीटर्स तो बनाने पड़ेंगे ना। बाइक टाइप का जो कंस्ट्रक्टर बनाया है, ऐसे ही मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जहाँ पे यहाँ पे बाइक में ही एक ले लेता हूँ मैं इंट करके नंबर, और दूसरे में ले लेता हूँ स्ट्रिंग करके नेम, है ना। फिर मैं एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाना चाहता हूँ जो कि तीन पैरामीटर रिसीव करेगा, नंबर, नेम, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, स्प्लेंडर टाइप का डेटा, स्प्लेंडर, ठीक है। तो बताइए यहाँ दिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, दिस डॉट, दिस तो लगाना पड़ेगा ना, दिस डॉट नंबर इज इक्वल टू नंबर लिख दिया, एंड दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम लिख दिया, एंड इन दोनों डेटा को यहाँ से कर लीजिए कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करके बस एक एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पे है, दिस डॉट स्प्लेंडर इज इक्वल टू स्प्लेंडर लिख दिया, क्लियर। अब इसका जो हमारा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल होगा वो कैसे बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने वाले जितनी भी कहानी है सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं। तो इसी बीन्स टैग के अंदर हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, और इनको यूज करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्या करा,
यहाँ पे बीन टैग हमने बना लिया, और बीन्स के अंदर क्या होता है, बीन्स के अंदर बीन होता है ना, तो बीन यहाँ टैग हमने लगा लिया, और बीन टैग के अंदर हमने जो हमारी बाइक क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाइक क्लास किस लोकेशन पे है, इसी लोकेशन पे होगी ना। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, क्लास का नाम ले लिया, सॉरी लिखना पड़ेगा ना, क्लास इक्वल टू ये ले लिया क्लास, यहाँ पे बाइक का हमने ले लिया नाम, तो लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा बाइक, ठीक है। अभी जो हमारी बाइक क्लास बनी हुई है, इस क्लास में क्या क्या डेटा है, कितने कंस्ट्रक्टर हैं पहले ये बताइए। तीन कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट वाला है जो एक वैल्यू ले रहा है, एक दो वैल्यू ले रहा है, हाँ एक तीन ले रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि बाइक के अंदर मान लीजिए दूसरा वाला कंस्ट्रक्टर हमें चलाना है, तो दो पैरामीटर ले रहा है जिसमें नेम ले रहा है और एक क्या ले रहा था, बाइक का नेम और उसका मॉडल ना नंबर, नंबर तो मॉडल मान तो ये तो हो गया नंबर, और फिर एक कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे जिसमें क्या पास कर देंगे, नेम पास कर देंगे। तो बाइक का नाम हमने दे दिया क्या, होंडा, ठीक है होंडा ले लिया, या बाइक का नाम ले लिया हमने, नहीं नहीं टाइप तो यहाँ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पे तो इंटीजर टाइप का है ना, इंटीजर स्ट्रिंग है तो ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं बताया, इसकी आईडी नहीं बताई ना, तो इसकी आईडी हमने दे दिया B1 है ना, चलिए होंडा ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो हमारा हो गया बाइक की एंट्री, ठीक है हो जाने दीजिए। तो फिर हमारा जो स्प्लेंडर है वो भी तो एक क्लास है, उसकी भी तो एंट्री होगी, हाँ जी। तो मान लीजिए कि मैंने स्प्लेंडर की एंट्री कर दी, किसी को कॉपी कर लिया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बाइक की जगह पे हमने ले लिया स्प्लेंडर और इसकी आईडी ले लिया हमने S1 ले लिया, ठीक है जी। और स्प्लेंडर में क्या क्या एंट्री थी भाई, मॉडल था और प्राइस था, दो चीज़ें थी ना। तो मुझे बाइक का नाम लिखना है ना यहाँ पे, बल्कि व्हीकल लिखना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं हमने जब बना ही दिया है तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लिखते हैं 2 क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाइक की वैल्यू जो बाइक का नंबर है, नंबर के बाद नेम लिखना है, तो वो क्या लिखते हैं, 0 लिख देते हैं ना, 0 लिख देते हैं, चलो ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि जब जो हमारा स्प्लेंडर होगा, स्प्लेंडर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एक है मॉडल और एक प्राइस है। तो मॉडल हमने दे दिया, क्या दे दिया, मॉडल दे दिया, सपोज करिए हमने यहाँ से DS4 दे देते हैं, चलो DS4 दे देते हैं, और प्राइस क्या दे देते हैं, 60,000 ये, ठीक है, और टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर ये डेटा इंजेक्ट हो जाएगा, तो चलो ठीक है, ये सिंपल कहानी हमें सुनने आ रही है। हम यहाँ करना क्या चाह रहे हैं, करना ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि मैंने अपने यहाँ पे जो मेन हमारी क्लास है जिसका नाम है बाइक, और अगर हम बाइक को कॉल करें है ना, मैं मान लो कि यहाँ पे बाइक को कॉल करना चाहता हूँ, और बाइक को जब मैं कॉल करूँ तो यहाँ पे इसके जो एसोसिएटेड क्लास है वो भी यहाँ पे मतलब कॉल होके आ जाए, उसका भी डेटा यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, देखो अभी के लिए ये B1 हो गया, स्प्लेंडर हो गया, पहले तो हम इसकी ऐप वाली क्लास में चलते हैं, सब कुछ सही मतलब ऐसे ही होगा, बस ये चीज़ ध्यान रहे कि हमारा यहाँ से कॉल हमें क्या करना है, हमें अपने बीन फैक्ट्री के ऊपर, ये हमारी बीन फैक्ट्री है, इसके ऊपर गेट बीन जो मेथड होगा, यहाँ पे जब हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पे हम केवल और केवल गेट करने वाले हैं अपने बाइक के ऑब्जेक्ट को, यानी कि B1 को,
अगर हम b1 वाले ऑब्जेक्ट को गेट करते हैं से, है ना, देखिए b1 वाले ऑब्जेक्ट को गेट करते हैं, तो b1 किस टाइप का डेटा है, बाइक टाइप का है, तो बाइक टाइप में ही टाइप कास्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, करा दिया। सिस्टम डॉट आउटर प्रिंटल में अगर हम बाइक को प्रिंट करते हैं तो मुझे बताइए क्या बाइक क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइडेड है, बाइक के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड नहीं है, तो बाइक के अंदर भी टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड कर लिया जाए, या मैं एक काम, ना ना मैं एक काम कर लेता हूँ, टू स्ट्रिंग बनाना ओवरराइड करके एक शो मेथड बना लेता हूँ, और शो मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एक नंबर प्रिंट कर लेता हूँ, फिर उसका नेम प्रिंट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे स्प्लेंडर को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है, स्प्लेंडर प्रिंट कर लिया, ये तीन डेटा मैंने प्रिंट किया, नेम और नंबर और ये, तो मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा ना, यहाँ पे ये बाइक को प्रिंट ना करके बाइक पे मेथड चला दीजिए, कौन सा मेथड, शो मेथड डॉट शो, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे शो मेथड चलाता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा जरा देखिए, पहली चीज़ तो यहाँ पे एरर आ गया, एरर क्या आया है जरा देखते हैं, एरर वहीं पे आया होगा कुछ, हमारा 77 लाइन में कुछ मिसिंग हमने कर दिया है, इनवैलिड एक्सेप्शन, चलो देख लेते हैं 77 लाइन में हमने क्या गड़बड़ी करी है, ये लास्ट में 77 लाइन हमारी है, ठीक है, बीन्स दो दो बार बीन बिन टैग बंद हो गया है ना, हमने एंट्री तो सही करी हुई है, यहाँ से रन करेंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि हमारा बाइक का नंबर आ गया और उसका मॉडल आ गया है ना, नंबर आ गया और क्या क्या डेटा था हमारे पास, दिख ही नहीं रहा है तो स्क्रीन में, विजिबिलिटी नहीं है क्या अभी, अच्छा, वो थोड़ा सा नेट, मुझे लग रहा है नेट नेट का इशू होगा, है ना, तो वैसे यहाँ पे डेटा आ गया है, जो हमारा हीरो हमने वहाँ पे दिया हुआ था, बाइक के अंदर दो डेटा दिया था, एक हीरो दिया था और उसका नंबर दिया था ना, तो वो नंबर और उसका वैल्यू आ गया, बट यहाँ पे क्या प्रिंट नहीं हो पाया, यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाया, उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका स्प्लेंडर जो हमने लिया हुआ था वो नहीं प्रिंट हो गया पाया, स्प्लेंडर का ऑब्जेक्ट प्रिंट होके नहीं आ पाया, समझ आ रहा है, हाँ जी, कहाँ पे इनहेरिट नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे इनहेरिटेंस का कोई रूल ही नहीं फॉलो हुआ ना, एग्रीगेशन हमने कर दिया, तो क्योंकि हमने दूसरा वाला कंसर्टर कॉल भी तो नहीं करा, तो दूसरा वाला कंसर्टर तो हमने कॉल भी तो नहीं करा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा कंसर्टर कॉल कराना पड़ेगा ना, दूसरा कंसर्टर मैंने कॉल किया, अब दूसरा कंसर्टर जो मैंने कॉल किया उसका नाम हमने ले लिया B2, क्लियर, और दूसरे कंसर्टर में तीन डेटा था, एक था हमारा ये और ये, मतलब नेम, एक हो गया मॉडल और तीसरा हो गया वो, तीसरा पैरामीटर हमें पास करना होगा, यही ना, लेकिन यार ये इस तरह से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, पता क्या करो, देखो ध्यान से मेरी बात समझो, मेरे पास कहानी क्या है, मेरे पास कहानी ये है कि मेरे पास एक बाइक का कंसेप्ट है जिसमें दो पैरामीटर है, नंबर और नेम, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें तीन पैरामीटर है, नंबर नेम और साथ में एक तीसरा ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है, तो कहीं ना कहीं इस वाले कंसेप्ट में और इस वाले कंसेप्ट में कितने का डिफरेंस है, बस एक वैल्यू का डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस है तुम्हारे स्प्लेंडर के ऑब्जेक्ट का, तो अगर मुझे यहाँ पे तीसरे वाले कंसेप्टर में डेटा चाहिए तो एक डेटा तो मैं इंजेक्ट करा सकता हूँ, चलो ठीक है, मुझे कंसेप्टर में रेफरेंस इंजेक्ट कराना है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंसेप्टर लगाया और यहाँ पे रेफरेंस लिख दिया, और रेफरेंस के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे रेफरेंस के अंदर ऐड कर दिया, सॉरी, कंसेप्टर, और कंसेप्टर के अंदर हमने लिख दिया रेफरेंस, और रेफरेंस में हमने दे दिया क्या, इसका ऑब्जेक्ट S1, है ना, स्प्लेंडर का ऑब्जेक्ट दे दिया S1, तो ये इंजेक्ट हो गया, लेकिन अब हमें तीसरा भी टू डेटा डालना पड़ेगा, दो डेटा और भी डालने पड़ेंगे ना,
तो ये दोनों डेटा मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ कर लिया पेस्ट, सॉरी कॉपी यहाँ से करके और यहाँ पे करके पेस्ट कर दिया, और जहाँ पे D4 लिखा है यहाँ D5 लिख दिया, जहाँ पे 70 लिखा है वहाँ 76 77 लिख दिया। तो अगर मैं अब B2 को कॉल करूँगा तो B2 का डेटा प्रिंट होके आएगा कि नहीं आएगा? B2 का डेटा प्रिंट होके आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे विद स्प्लेंडर क्या B2 का टाइप है। B2 में क्या पास कर रहे हो? S1 पास कर रहे हो ना आप, रेफरेंस पास कर रहे हो, तो B2 के अंदर रेफरेंस जो S1 हम पास कर रहे हैं सही है ना? हाँ ठीक तो है। तो बाइक जो हमारी क्लास है एक B1 है एक B2 है, इसका जो रेफरेंस ले लिया B2 ले लिया, क्लास बाइक वैल्यू एक इंटीजर हो गया फिर स्ट्रिंग हो गया, ये टाइप फ्लोट लिख दिया, गलती कर दिया ना, यहाँ टाइप कहाँ था यहाँ फ्लोट कहाँ है, ये चीज़ गलती हो गई। अब यहाँ से दोबारा हम चलाएंगे तो ये देखिए आ गया ना, आ गया हमारे पास डेटा, लेकिन एक कमी है। कमी ये है देखिए, अभी जो मुझे एक्चुअल कंसेप्ट समझाना है वो यहाँ पे अभी मैंने समझाया नहीं आपको। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि हमारे पास बाइक क्लास में कितने कंस्ट्रक्टर हैं, हमारे बाइक क्लास में 3 कंस्ट्रक्टर हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक डबल आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है, ट्रिपल आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है। तो अगर हमारे पास इस तरह से आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर है तो मैंने पहले वाले को तो कॉल कर लिया, ठीक है, दो वाले को कॉल कर लिया सॉरी, अब तीसरे वाले को कॉल करने के लिए 3 बार पैरामीटर देना पड़ रहा है, क्लियर है? तो मैं चाहता हूं कि ये 2 बार ये पैरामीटर ना भेजना पड़े, क्योंकि तो ऊपर तो ऑलरेडी मैं भेज ही रहा हूं, यहां पे तो ऑलरेडी पैरामीटर दे ही रहा हूं ना ये दोनों, तो मैं चाहता हूँ ये वाला जो हमारा बीन है यहाँ पे जो बीन की एंट्री हमने करी है कंसेंटर जो बनाया है, ये कंसेंटर क्या करे ऊपर वाले कंसेंटर के दोनों डेटा को ले ले और साथ में इसका भी डेटा प्रिंट हो। हाँ एक एक बीन में एक कहीं ना कहीं बीन के कंसेंटर में दूसरे बीन के कंसेंटर का रेफरेंस उठा के डालना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको चूंकि इसको बनाना है वो उसका डेटा यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए बस लिख दीजिए कि इसका पेरेंट कौन है, एक टैग होता है पेरेंट, और पेरेंट में क्या कर दीजिए यहाँ पे लिख दीजिए B1, तो इस पर्टिकुलर बाइक का पेरेंट है B1, तो B1 से ये दोनों डेटा आके इसके उस कंसेंटर में जाके इंजेक्ट हो जाएगा। मतलब अब कहने का मतलब ये हो गया कि इसी 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 लाइन से हमारा ये तीसरा आर्गुमेंटेड वाला कंसेंटर कॉल होगा। आपने कहा तीसरा कैसे कॉल होगा, इसमें 2 डेटा तो हमने पास ही नहीं करा, ये 2 डेटा जो है ये ऊपर से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, हाँ 2 डेटा यहाँ से ले लेगा, बाकी स्प्लेंडर वाला डेटा यहाँ से रहेगा और ये आउटपुट हमें दे देगा। देखो अगेन वही सेम सेम चीज़ यहाँ पे सेम आउटपुट दे देगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेम आउटपुट? तो इसी को बोलते हैं कंसेंटर के अंदर बिन के में इस तरह से इनहेरिटेंस आप करा सकते हो, इन दोनों को उसका पेरेंट बना सकते, वो पेरेंट लिखेंगे अपने आप ले लेगा, वो पेरेंट क्लास से इस क्लास। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमें पेरेंट यूज करना पड़ेगा इस तरह से, अगर डेटा में इस तरह से रिलेशन आपको बनाना है तो। वैसे क्लासेस कोई भी ले सकते हो, किसी भी टाइप के एग्जांपल को किसी भी टाइप के क्लास को लेके इसे समझ सकते हो, क्लियर है? सब जगह